जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मोबाइल फोन्स का कितना क्रेज है, यही रीजन है कि इनकी सेल दिन प्रतिदिन मार्केट में बढ़ रही है। अब जो लोग मोबाइल यूज करते हैं वो लोग उसमें सिम डालकर मोबाइल की सुविधाओं जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ भी लेने, जिसके लिए उन्हें अपने नंबर पर रिचार्ज करवाना होगा। इसलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप मोबाइल रिचार्ज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शुरू करें मोबाइल रिचार्ज बिजनेस। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हर गली मोहल्ले में देखने को मिल सकता है। आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल फोन देखने को मिलता है और इनमें ज्यादातर कस्टमर्स प्रीपेड रिचार्ज करवाना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कम समय में स्थायी हो सकता है और एक अकेला इंसान भी आसानी से चला सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई खास तकनीक की जरूरत नहीं होती। मोबाइल रिचार्ज बिजनेस, ये भी एक ऐसा ही प्रश्न है जो फोन से संबंधित है। लोगों द्वारा जो भी सिम खरीदी गई है उसकी सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें समय समय पर पैसे डलवाने पड़ते हैं, जिससे मोबाइल रिचार्ज के नाम से जाना जाता है। रिचार्ज करने के बाद व्यक्ति इंटरनेट, कॉलिंग, मैसेज, रिंगटोन आदि का आनंद ले सकता है। मोबाइल रिचार्ज में कितना होगा निवेश? मोबाइल रिचार्ज एक ऐसा बिजनेस है जिसे बहुत ही कम लागत से शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में ये काम केवल 5 से 6 हजार में स्टार्ट किया जा सकता है, जिसकी मदद से व्यक्ति कुछ ही समय में एक बेहतरीन कमाई भी कर सकता है। मुख्य रूप से मोबाइल रिचार्ज का काम 4 तरीके से किया जाता है। ऐसा होगा मोबाइल रिचार्ज काम शुरू। मोबाइल रिचार्ज बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको उन लोगों से जुड़ना होगा जो रिचार्ज की सुविधा लोगों को देते हैं। पर ध्यान देने योग्य चीज ये है कि आप कौन से प्रोवाइडर से रिचार्ज करवा रहे हैं। आज मार्केट में बहुत से लोग हैं जो मोबाइल रिचार्ज सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं, पर आप केवल उन लोगों से संपर्क करें जो विश्वास योग्य हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन भी कुछ प्रोवाइडर चेक कर सकते हैं और आम लोगों द्वारा उनके काम के प्रति फीडबैक को भी ऑनलाइन देख सकते हैं। किस किस प्लान में करें काम? रिटेलर प्लान, आप मोबाइल रिचार्ज के लिए रिटेलर प्लान के रूप में ही व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 299 रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें प्रोवाइडर आपको मोबाइल रिचार्ज, DTH डेटा, कार्ड रिचार्ज आदि की सेवा प्रदान करता है। ये काम भी पूरी तरह से कमीशन पर ही आधारित है। आप जितना बड़ा प्लान का रिचार्ज करवाते हैं कंपनी उतना ही आपको मना कर देती है। डिस्ट्रीब्यूटर प्लान, इस प्लान के अंतर्गत आप कंपनी को 9,999 देकर उनसे जुड़ सकते हैं। इस प्लान में कंपनी आपको 3 से 5% का लाभ देती है, जिससे आप किसी भी प्रकार के रिचार्ज करने योग्य हो जाते हैं। सिम में आपने प्रोवाइडर से 1000 का बैलेंस डलवाया है तो वो आपको 1035 का बैलेंस देगा। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर प्लान, ये ऐसा प्लान होता है जिसमें कंपनी आपको 4% का मुनाफा देती है। इस प्लान से जुड़ने के लिए व्यक्ति 15,999 रुपए देने होते हैं, जिससे आप कंपनी से जुड़ पाने में सक्षम हो जाते हैं। अगर आप प्रोवाइडर से 1000 का रिचार्ज करवाते हैं तो प्रोवाइडर 1,040 रुपए का बैलेंस देता है। मोबाइल रिचार्ज बिजनेस के लिए सही स्थान, इस बिजनेस को किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, फिर वो गांव में हो या शहर में हो, किसी भी एरिया में आपकी दुकान हो सकती है। पर अगर आप ये बिजनेस किसी सोसाइटी के पास या जहां अधिकतर लोगों की आबादी रहती है वहां करते हैं तो आपको इससे ज्यादा लाभ होगा। एडवर्टीजमेंट, मोबाइल रिचार्ज बिजनेस के लिए विज्ञापन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी दुकान में रिचार्ज संबंधित जितने ऑफर्स के पोस्टर होंगे उतना ही ग्राहक आपसे जुड़ पाएंगे। विज्ञापन के लिए विभिन्न कंपनी आपको ऑफर्स की जानकारी देती है, जिससे आपको हमेशा ही अपडेट रहना होगा, तभी आप ग्राहकों को अपने व्यापार से जोड़ पाएंगे। कमाई, मोबाइल रिचार्ज के काम में आप महीने में लगभग 10 से 15 हजार तक की कमाई कर सकते हैं। भविष्य में अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे अनेक बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।